oil pastel coloring. First of all, let me use paper tape. आपको जैसे भी पेपर टेपिंग करना है वैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी बस लंबी और थोड़ी सी चौड़ी। ये टेपिंग हो गई, हमें एक जैसा डिस्टेंस रखना है दोनों तरफ से। अम्मा ये नहीं हो पा रहा। बैकग्राउंड कवर हो गया, अब मैं दूसरे में कर रही हूँ, ऐसे में आड़े में। टेपिंग कर चुकी है, अब हम कलरिंग पे आते हैं। हमें एक जैसे कुछ कुछ शेड्स चाहिए, जैसे हम पिंक के ले रहे हैं, तो मैंने पिंक कलर लिया, उसका डार्क फॉर्म लिया, और पिंक का डार्क फॉर्म मेरे पास नहीं बचा है, तो मैं थोड़ी सी भी कलर से पिंक का डार्क फॉर्म बना रही हूँ। पहले मैंने अपना पेज जिस डायरेक्शन में करना था मैंने उस डायरेक्शन में लिया, और सबसे डार्क कलर मैंने ऊपर किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप इधर पर चेक कर सकते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा आपको डार्क लग रहा है, वही कर सकते हैं। मेरे को सबसे डार्क ये लग रहा है, मैं यही कर रही हूँ। अपर में मैंने थोड़ा लाइट लाइट यही कर दिया है। अब मैंने सेकंड रेड लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ाते हुए आपको नीचे तरफ से करना है। अब सबसे ज़्यादा छोटे पिंक है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा चढ़ाऊंगी ताकि मेरा पिंक कलर ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अब आप नीचे थोड़ा सा वाइट कलर कीजिए थोड़ा सा और लुक के लिए। अब मेरे पास एक टिश्यू है, मैंने इसको थोड़ा सा फाड़ लिया यहाँ से, और एक एक करके पूरे में ऐसे लाइट दम दम से टचिंग कर रही हूँ। अब मैं रेड कलर कर रही हूँ। इसको भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हुए। चाहे एक बार यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में नहीं आना चाहिए। नीचे मैंने थोड़ा वाइट कलर किया था, उसको मैं पिंक में थोड़ा शेडिंग के मिक्स कर रही हूँ। अब मैं ये टिश्यू रोल यहाँ रखती हूँ, और मैं दूसरी शेडिंग्स की ढूंढ रही हूँ, ब्लू की, लाइट ब्लू, चार्क ब्लू एंड अगेन डार्क ब्लू, थ्री शेड्स ऑफ कलर। आई विल मेक वन स्लीपिंग लाइन फ्रॉम द राइट साइड। Then I use this color. Light blue. And white color. व्हाइट कलर थोड़ा सा बिग हो गया है, इसलिए हम लाइट लाइट करेंगे व्हाइट कलर एंड टिश्यू पेपर। हमें 2 मिनट स्टॉप कर देना है जब ये हो जाए। अब
हमने अलग अलग कलर से इसको शेड कर चुका है। अब हम पीछे से टेप पे काट रहे हैं। पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा कलर आपने फर्स्ट में किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हमने सब टिपी निकाल ली है। अब हमें लास्ट वाली निकाल रहे हैं। आपको धीरे धीरे स्लोली से निकालनी है ताकि ये पेच ना फटे जैसे यहाँ पे हो चुका है। अब हमारी ये बहुत अच्छी ड्राइंग बन चुकी है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा या करना है जो आपको